फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट रहेगा क्योंकि मेरी दादी आ गई है यहाँ पे। तो आजकल अब क्या है, पहले मैं 10:30 से उठता था, फिर उसके बाद मंदिर जाता था। आज तो मेरी दादी ने मेरे को सुबह जल्दी उठा दिया, 8 बजे समथिंग उठा दिया। अब कहाँ पे पता नहीं कहाँ लगी हुई वो, ये नहीं सुबह जल्दी उठा दिया, मतलब आते ही पड़े रहे थे और ये वो, तो फिर उठना पड़ा। तो मैं नहा लिया हूँ, जल्दी से मंदिर जाके आता हूँ। आप क्या कर रहे हो? अभी दादी भी नहाएगी, आते हैं अपना पेड़। पहले तो पेड़ पौधों में गई, फिर गाय, उसमें गाय के पास गई, गाय का संभाला, सब चीज़ चेक करी, फिर आपके बोलने लगे पानी भी नहीं डाली पेड़ों में, पूरे पेड़ जल गए मेरे, ये वो। तब मैं जल्दी से मंदिर जा के आता हूँ, फिर आके मेरा ब्लॉग एडिट करना है, फिर ब्लॉग अपलोड करना है। और आज मेरे को मेरा वो बिल जमा करवा के आना है, 3-4 काम है। फिर विशाल को डॉक्टर के लेके जाना है, इसका हाथ पता नहीं क्या हो रहा है, दर्द कराया यहाँ से, तो उसको डॉक्टर के लेके जाना है, फ्रैक्चर वाले के। तो चलते हैं मंदिर। तो फ्रेंड्स, मैं जग गया था तब, मतलब समथिंग मैं 9:30 बजे गया था यहाँ मंदिर, और तब से ये विशाल को सवा है नहाने के लिए, और हम खाना भी खा लिया, अभी तक ये बाहर नहीं निकला। दीदी ऐसे वहाँ पे खड़ी है, इसका वेट करिए नहाने का। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ विशाल को दिखाने, उसके हाथ में दर्द हो रहा है, तो मैं फ्रैक्चर वाले के पास जा रहा हूँ। उसका हाथ निकल जाता है ऑटोमेटिक, मतलब जैसे भी कुछ करता है ना, तो हाथ एक बार गिर गया था उस चक्कर में, मतलब गिरा ऐसे नहीं था, बेंच में हाथ रख के नींद आ गई उसको, तो एकदम से नींद आई ना, तो वैसे गिर गया, तो हाथ में एकदम झटका गया, तो ये हाथ निकलने लग गया। तो जब भी कुछ करता है तो हाथ एकदम निकल के से आ जाता है। तो डॉक्टर के दिखाने जा रहा हूँ उसको, अभी मैं ही जा रहा हूँ, मैं विशाल जा रहे हैं, बाकी नन्नू से पूछ लेंगे, अगर वो फ्री होगा नन्नू को लेकर चल जाएंगे। गाइस, आजकल इतनी भयंकर धूप पड़ने लग गई, स्कूटी और बाइक पे चलने का बिल्कुल वो मतलब नहीं है, मतलब बीमार, खुद और बीमार पड़ता है, तो मैं तो कार ही लेके जा रहा हूँ। तो चलते हैं वहाँ पे, दिखा के आता हूँ जल्दी से। फ्रेंड्स, विशाल आ गया, ये रहा, बिल्कुल ओढ़ के बैठा है गर्मी की वजह से, वैसे एसी चल रही है, दिक्कत नहीं। अब नन्नू से पूछते हैं चलेगा नहीं चले वो। नन्नू भी आ गया, हम गणेश का वेट कर रहे हैं, गणेश भी आ रहा है, फिर हम सब जाएंगे आज विशाल का हाथ दिखाने, इसका हाथ दिखाने। फ्रेंड्स, तोड़ दिया मैंने तोड़ा है। तो वो जल्दी से आ रहा, उसके बाद जाते हैं। और फ्रेंड्स, इतनी धूप में कितना भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, हमें कम से कम 5 से 10 मिनट हो गए यहाँ पे इस ट्रैफिक में फंसे हुए, पता नहीं क्या लग रही है धूप में, ऐसे ट्रैफिक लग गया है यहाँ पे। और पहुँच गए हैं ब्रिज पे एक चला लेके, यहाँ पे दिखाते हैं रेगुलर, जैसे कुछ बोन्स का प्रॉब्लम होती है तो इसी डॉक्टर के दिखाते हैं हम। फ्रेंड्स, पहुँच गया मैं हॉस्पिटल, इसको दिखाते हैं, फिर जाते हैं वापस। तो फ्रेंड्स, हमने टोकन ले लिया है यहाँ पे आके, और टोकन नंबर है हमारा 66। देखो कितना बड़ा टोकन है, और अभी टोकन नंबर चल रहा है 47 चल रहा है अभी जस्ट, तो बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और फ्रेंड्स, अभी तो 47 नंबर ही चल रहा है, एकदम बीच में गाड़ी पार करके चला गया, और यहाँ ट्रैफिक हो गया, मेरे को नहीं पता था यहाँ पे पानी भरा है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी लगा चला गया। एक अंकल यहाँ खड़े हो गए, परेशान हो गए, फिर माइक में अनाउंस किया उन्होंने कि ना ये गाड़ी नंबर है ना 12885, वो किस किया उसको हटाओ, फिर हटाया मैंने, किया मैंने, भले वहाँ पार की तो सब परेशान होता, आगे पानी भरा था, इसलिए अब जाता हूँ वापस अंदर। पता मेरे फ्रेंड्स, हमारा नंबर आने वाला है यहाँ पे, 63 नंबर है, 66 हमारा है। तो डॉक्टर को तो दिखा दिया गाइस हमने, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया ऐसा। तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं, और ये देखो इतनी भयंकर हो रही है गाड़ी, गाड़ी मैंने फोन कर दी, अब चलेंगे। कुछ डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, डॉक्टर ने बोला खुद को सेफ्टी रखनी पड़ेगी, डिसलोकेट बार बार इसलिए हो रहा है कि तुम बार बार मूव करो ना हाथ को, तो तुम्हें नहीं है बार बार, तो क्या करना पड़ेगा, क्या बांध करना पड़ेगा, वो पट्टे होते हैं ना, शोल्डर बेल्ट, हाँ शोल्डर बेल्ट बांध करना पड़ेगा, और बाकी एमआरआई करवानी पड़ेगी, इससे काम मेजर प्रॉब्लम है, बाकी टेबलेट वगैरह कुछ दी नहीं। अरे तो वो शोल्डर वाला ले लिया मैंने, शोल्डर बेल्ट, बाकी चलते हैं। तो ये बोले बेल्ट तो पड़ा है, टाइसन वाला बांध देंगे इसके पास, घर पे जाके ब्लॉग अपलोड करना है, मिनी ब्लॉग तो मैंने डाल दिया लेकिन वो। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं उठ गया हूँ, सो क्या अभी मैं अपना व्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन में नहीं गया था अपलोड करने, व्लॉग एडिट तो कर लिया था, बट इतनी भयंकर धूप हो रही थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी वहाँ जाके बैठने की मेडिकल के सामने। तो फिर अब मैं अभी करके आऊँगा अपना व्लॉग एडिट, मतलब एडिट के अपने व्लॉग अपलोड करके आना है मैंने, और वैसे बिल भी जमा करवाना है, लास्ट डेट 15 है, तो पापा ने मॉर्निंग में पैसे दे दिए कि बिल जमा करवा के आना। तो चलते हैं अब, और मम्मी वगैरह सब बाहर है, मैं अभी जस्ट उठाऊँ, फेस वॉश किया उठ के, और फिर इसके बाद पार्क चलेंगे। और फ्रेंड, दीदी तो खाना बना रही है, और मम्मी और दादी बाहर लगे हुए कोई काम में, मौसम कितना मस्त हो रहा है देखो। ये मैं टाइसन देखो बैठा यहाँ बाहर, टाइसन बैठा है, टाइसनुडी मस्त हवा में खुद की सीट पे फसर के, इसकी फिक्स है वाली सीट, यहीं बैठता है ये देखो मैं बिच्चू, शैतान शैतान। मम्मी और दादी तो यहाँ लगे हुए हैं ग्रीनडे इकट्ठे करने में, कल दाल देखे आए थे ना के, मम्मी और दादी लगे हुए हैं यहाँ पे, मौसम खराब हो रहा है, आंधी आ रही है भयंकर। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ व्लॉग अपलोड करके, मौसम खराब हो गया भयंकर, मौसम खराब हो रहा है, और मम्मी बोली है कि वो तगारी वगैरह लेके आ, मम्मी और दादी वहाँ पे वो गरिंडे होते हैं ना गाय के, वो इकट्ठे करिए, बारिश आ सकती है तो गीले हो जाएंगे वो, इसलिए तो मैं जल्दी से देख आता हूँ उनको। उसके बाद थोड़ी देर पार्क में चलेंगे, विशाल और सब पार्क गए हुए हैं, मेरे को पता भी नहीं कहाँ पे पड़ी है इनका, ये रखते हैं। मम्मा कौन सी लानी है, कौन सी नीली वाली, कहाँ पे नीला वाला,
ये काला वाला। अच्छा ये मंगा दी है मम्मी तो, इसकी बात करें तगारी नहीं बोली थी इन्होंने, मेरे को खुद को कन्फ्यूजन था क्या बोल रहे हैं क्या चाहिए था। तो फ्रेंड्स मैं पार्क जा रहा था बट पापा को लगे बीच रस्ते में कि कुछ काम है, कुछ सामान दे के आना है उनको, गाड़ी का कुछ काम हो रहा है बस का तो दे के आना है, तो वापस जा रहा हूँ मैं अब घर पे। तो वो दे के आके फिर वापस पार्क जाना होगा, जाऊँगा वरना आंधी हो रही है, मतलब आंधी आ रही है भयंकर, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा फिर घर पर रुकेंगे। फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं घर पर और ये टाइसन इस वैसे गिर गया, मतलब ऐसे घूम रहा था रोल हो रहा था तो उसको लगा पूरा है, जैसे पूरा रोल हुआ ऐसे घूम के सीधा ऐसे धड़, और मस्त मजा आया दीदी बता रही थी हंसते हंसते पागल हो गए हम तो, ये ऐसे होता है ना अपन आलस आता है अपन घूमते हैं वैसे ही कर रहा था, तो ऐसे जस्ट नीचे गिर गया ये। तो ये देख के आना है अगर वहाँ पापा को स्कूटी उठाते हैं जाते हैं। तो फ्रेंड्स दे दिया मैंने ये और बाहर बाहर भयंकर आंधी आ रही है तो मैं जाता हूँ वापस से। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं बाहर, दीदी भयंकर मिट्टी उठ रही है बहुत भयंकर। और एक बात बतानी आपको सबको कि मैं कुछ कर रहा हूँ एक अच्छा सा गिव अवे, बहुत अच्छा बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास भी नहीं होगा लेकिन बट मैं कर रहा हूँ, लग रहा होगा कि ऐसे क्या है क्या ऐसा कुछ कर रहा है क्योंकि गलत पैसा सब में बांटना चाहिए, तो वो गलत नहीं है वैसे तो, इलीगल भी नहीं है बट गलत भी नहीं मान सकते उसको, बट है तो मैं सोचता हूँ कि कुछ गिव अवे कर देता हूँ उसको, समथिंग 10,000 प्लस अमाउंट है जो मैं गिव अवे करूँगा, और अपने समझ जाओ यूट्यूब फैमिली में करूँगा। तो फिर बताता हूँ उसका कुछ रूटीन, वही अपना सेम रूटीन, क्वेश्चन वाइज दो क्वेश्चन पूछेंगे और गिव अवे करेंगे, बट ऐसा नहीं इस बार ये करेंगे क्वेश्चन वही रिप्लाई कर पाएगा जो कि मेरे सारे व्लॉग देखता हूँ डेली रेगुलर सारे व्लॉग देखता हूँ, वो कल भी कर सकता हूँ मैं और परसों भी कर सकता हूँ, बट लाइव नहीं आऊँगा मैं बस क्वेश्चन पूछूंगा। मैं जैसे ये बोल दिया मैंने कि कल जो मेरे को सबसे पहले मेरे वहाँ मिल गया या मैंने जैसे पूछ लिया, कल पूछूंगा मैं आई थिंक, हाँ कल ही पूछूंगा मैं ये चीज़ की कौन मेरे सारे व्लॉग्स देखता है डेली व्लॉग्स पूरे पूरे कंटिन्यू, और उनसे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और वो कल वाले व्लॉग में पूछूंगा मैं, तो परसों आपको रिप्लाई करना पड़ेगा और परसों शाम को मैं गिव अवे कर दूंगा वो, और वो होगा फ़ोन समथिंग पोको का फ़ोन है, क्योंकि इतना अमाउंट मेरे पास मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट करता है, इससे अच्छा मैं सब पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा सभी, आज इतना कुछ नहीं बता रहा कि क्या अमाउंट है क्या नहीं है, बस है जो मैं गिव अवे कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आया हूँ टाइसन को अब घुमाने थोड़ी देर और फिर इसके बाद जाएंगे वापस घर पे। तो फ्रेंड्स मैं टाइसन को घुमा के आ गया हूँ घर पे और मेरी दादी से सो भी गई है जी सॉरी, और तो मैं भी जाके सोता हूँ, तो आज के लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलता है कल लोग के साथ, आज के लोग आपको चलेगा लाइक करना कमेंट करना चैनल पर नहीं आया सब्सक्राइब करना, और एक मस्त धमाकेदार मेगा 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 ऑफर है सबके लिए मस्त गिव अवे का, मतलब बाय मिलते हैं कल।